कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब आपको, मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊंगी डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। उठो ना, उठो ना डॉक्टर साहब, उठो, उठो डॉक्टर साहब, उठो ना, डॉक्टर साहब आप रुको, मैं अस्पताल लेकर जाऊंगी डॉक्टर साहब आपको। आजा क्या? नहीं भाई साहब, मैं गंगा बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब को बहुत चोट लगी है भाई साहब, बहुत खून बह रहा है, घुटने घुटने ने मारा भाई साहब, डॉक्टर साहब को बहुत खून आ रहा है। क्या? लेकिन तुम हो कहाँ? बगुला मुखी माता के मंदिर से अस्पताल के रास्ते पे, हम अस्पताल आ रहे हैं, बहुत चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है भाई साहब। मैं अभी एम्बुलेंस भिजवाता हूँ गंगा, घबराना मत, ठीक है? एम्बुलेंस भिजवाओ अभी, डॉक्टर जगदीश बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। मासा, वो टमाटर आपने काट के रखे हैं? हाँ, सोचा थोड़ी सी चटनी बना दूं गंगा के लिए, बहुत शौक से खा वे छोरी। अभी अभी परीक्षा खत्म हुई ना उसकी, तो अब चैन से पेट भर खाना खा सकेगी। जगदीश का होगा बोले गो, हम वापस आवे हैं और बहुत भूख लगी है दादी सा। हाँ कौन? माजी सा, डॉक्टर साहब को चोट लगी, आप लोग अस्पताल आ जाओ। अस्पताल? अरे क्या हुआ जगदीश को, चोट कैसे लगी? अम्मा जी सब बाद में बताऊंगी ना, मैं लाल सिंह भाई साहब को फोन कर दिया और अस्पताल हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आप अस्पताल आ जाओ जल्दी, बस जल्दी से हमारी बात करा। वो भी उस अभी बात ना हो सके माजी साहब, आप अस्पताल आ जाओ ना, हम जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे माजी साहब, आप आ जाओ अस्पताल। अरे भैरव बसंत, आ जाओ नीचे जल्दी से। तेरे कश्मीर जाते वक्त लगाया था मैंने ये पौधा, और अब देख कैसे सुंदर सुंदर फूल निकले, है ना?
ये पेड़ पौधे लगाना भी ना बच्चों के पालने जैसा ही मीठा मीठा सा होता है। बीज से पौधे का निकलना और फिर औलाद की तरह उसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होते देखना। और एक सपूत बेटे की तरह अच्छे काम भी तो करते हैं जो पूरे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींच कर बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, खुशबू बिखेरते हैं। सबका बस एक ही काम है, शांति से रहकर खुशियां बांटना, है ना दद्दू? देखा, कुछ ही दिन हुए हैं आनंदी को आए, लेकिन फिर भी मेरी बोली बोलने लगी। अटल, तू तो अभी तक ना गुलाब और मोगरे में फर्क करने लायक भी नहीं है। मतलब अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वो जो लड़कों का कॉलेज का बदतमीजी वाला केस था, उसकी स्टेटस रिपोर्ट आपको देनी थी सर। सर सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं और सबके स्टेटमेंट भी ले लिए गए हैं। एक दो दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। देखो, केस बहुत पुख्ता बनना चाहिए, उन बदमाशों की जमानत मिलने का भी कोई रास्ता निकलना नहीं चाहिए। डोंट वरी सर, यूजुअली ऐसे केसेस में काफी मुश्किलें आती हैं, स्पेशली जब लड़के इस तरह के गुनहगार हों जो बड़े और प्रभावशाली फैमिली से बिलोंग करते हों। और किसी का इस तरह सामने आकर गवाही देना तो बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे इस केस में इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सामने आकर गवाही देने को तैयार हैं। आप निश्चिंत रहिए, इन लड़कों को मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। इंस्पेक्टर, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये केस मेरी बहन के साथ जुड़ा है, मैं नहीं चाहता कि आप इसे अलग तरीके से देखें। इसे भी बाकी केस की तरह ही आप देखेंगे और जो कार्रवाई करेंगे वो कानून के दायरे में रहकर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। सर आप निश्चिंत रहिए, यहां फेवर और इंप्रेशन बिठाने जैसी बात ही नहीं है। गुनाह हुआ है, गुनहगार हमारे हाथ में है और कानून का काम है समाज से गंदगी हटाना, और वही हम करेंगे। चलता हूं सर। बड़ी तकलीफ होती है कभी कभी, कुछ लोगों के आदर्श संस्कार अपने ही परिवार के घमंड और उम्र के जोश के आगे कितने छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन सांची के दोस्त जिस तरह उसके साथ खड़े हैं ना, ये देखकर अगली पीढ़ी से उम्मीद पूरी तरह से अभी टूटी नहीं। काश इसी तरह हर अपने और हर अजनबी की मदद के लिए इंसानियत के नाते से लोग खड़े हो, फिर इन बदमाश लड़कों जैसी हरकत करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। सोच बदलना बहुत जरूरी है ताकि औरत को सम्मान के साथ जीने का हक मिले, उसे सिर्फ एक औरत की तरह नहीं, एक माँ, किसी की बहन या किसी की बेटी के रूप में देखा जाए, तब भी ये गिरावट खत्म होगी। जगदीश जैसे और इंसानों की जरूरत है इस समाज को।
प्लीज प्लीज प्लीज, आईसीयू में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं, प्लीज आप मेरी बात समझिए। ये एक बार बस अपने बेटे को मिलने लेने दीजिए। आप समझिए, सिस्टम को समझिए प्लीज। माँ जी सो देखो ना, डॉक्टर साहब की क्या हालत हो गई है, वो राक्षस होने बहुत बुरी तरीके से मारा डॉक्टर साहब को, बिना किसी बात के इतना मारा, बहुत बुरी तरह से मारा माँ जी साहब। कौन थे वो लोग गंगा? बोल गंगा कौन थे वो? क्या हुआ वहाँ पे? मारा इतना मेरे बेटे को उन्होंने, क्या हुआ था वहाँ पे? कुछ तो बता। मैंने मैंने कुछ ना बताया कागी, मैंने कुछ ना बताया। कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ ना बताया। मैंने मैंने भी पहली बार देखा उनको, लेकिन बहुत बुरी तरीके से मारा डॉक्टर साहब को, बहुत बुरी तरीके से मारा। मारो पोतो, ठीक है ना वो? देखिए खून बहुत बह चुका है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं क्या मतलब? कोशिश कर रहे हैं कुछ ना हो, वो हमारे छोरे को ठीक हो जावे, वो देवी माँ रक्षा करेगी। अरे देवी माँ, यो काही कर डाले हो? जग्या, जग्या आँखें खोलना, जग्या, जग्या मुझसे बात करना, जग्या। सुमित्रा शांत, बस शांत रह तू। लाल सिंह और बाकी डॉक्टर अंदर है ना, कुछ नहीं होगा हमारे जग्या को। कैसो है दादी साहब? जगह आप खतरे से बाहर है। देवी माँ ने हमारे विश्वास की लाज रख ली। आपको गंगा का भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से जगह की जान बची है। गंगा ने जगिया को यहाँ लाने से पहले मुझे फोन कर दिया था, इसलिए हमने पूरी तैयारी रखी थी। अगर गंगा सही वक्त पर जगिया को ठेले में डालकर यहाँ नहीं पहुँचाती तो हमारा जगिया को बचाना बहुत मुश्किल होता।
और यही नहीं, गंगा ने जगह पर से उसकी नर्सिंग की ट्रेनिंग का कर्ज भी उतार दिया। गंगा ने अपनी समझ से जितना भी हो पाया रास्ते में जगह का खून बहने से रोका। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा गंगा को क्रेडिट मिलना चाहिए जगह के सांसों का। अरे गरजदार हो गई रे मैं छोरी, हमारे जगदीश को कुछ हो जाता ना, तुम्हारी चिता जलनी पक्की थी। मुझसे क्यों उन्होंने पाप का भागीदार बनाओ, हमारी बुजुर्ग हो आप लोगों ने, तुम मैंने पूजा जीवन दिया है ना, इसे जो बन पड़ा मैंने किया, मैं तो बस बस इस बात की खुशी है कि डॉक्टर साहब ठीक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा, आज तुमने इस परिवार को एक बहुत बड़े दर्द से बचा लिया। गंगा आप में से कोई एक ही यहाँ रात भर के लिए रुकेगा? मैं रुकूंगी रात यहाँ पर, मैं अपनी जगह को छोड़कर कहीं ना जाने वाली हूँ। मां साहब आप भाई साहब और गंगा घर चले जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ सुमित्रा के पास। ठीक है भैरव, लेकिन सुन फोन मेरे पास ही रहेगा, समझ गया ना, किसी भी चीज की जरूरत हो फोन कर देना। जी भाई साहब। मैं समझ जीप निकलता हूँ, आप आइए। चल छोरे। साहब शायद डॉक्टर साहब को ठेले पे रखते हो दुकान। संकट के समय इंसान की संवेदनशीलता एक नई शक्ति में बदल जाती है और वो धैर्य के साथ स्थिति का सामना करने में सफल हो जाता है।